जय मिथिला। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, क्लास टेंथ का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। पहले हम क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है, इस समझ लेंगे, इसके बाद बनाने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। ये क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं ए 5.2, बी 4.7 और सी 7.-4 से बनने वाली त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके कहने का मतलब है कि निर्देशांक जो है वो दी हुई है ए बी और सी, इससे जो त्रिभुज बन रहा है ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए फिगर बनाते हैं, देखें ये है त्रिभुज जिसका शीर्ष ले लेते हैं ए बी और सी, ये क्या है 5.2 देखिए है ना यहाँ पे, फिर बी कितना दिया हुआ है 4.7 और सी दी हुई है 7.-4 और हमको कहता है कि इसका जो है वो सबका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, देखिए हम बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया है ठीक, दिया है ए 5.2, बी दिया हुआ है 4.7, सी दिया हुआ है 7.-4। यहाँ से जो है x1 y1 x2 y2 x3 y3 का जो है यहाँ पे मान दी हुई है, तो जिसे निकालेंगे x1 = 5 y1 = 2 x2 = 4 y2 = 7 x3 = 7 y3 = -4 देखिए इसको क्या क्या अलग लिया कर लिए, इससे बनाने में आसानी होगी। ठीक, अब क्या लिखेंगे, कह रहे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे हम चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 × y2 − y3 + x2 − y1 + x3 − y1 कोष्ट बंद। ठीक है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब का मान जो है ये यहाँ पे है दिया हुआ, इसको क्या करेंगे इस पर पुट कर देंगे। ठीक, लेंगे 1/2 × x1 देखिए 5 दिए हुए, तो लिखेंगे 5 × y2 − y3 देखिए हमारे पास 7 दिया हुआ है −y3 कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगी 4। ठीक, फिर लिखेंगे प्लस x2 देखिए हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो 4 × y3 − y1 हमारे पास −4 है और −y1 देखिए 2 दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद लिखेंगे प्लस x3 हमारे पास 7 है × y1 − y2 दिया हुआ है 2 और y2 देखिए दिया हुआ है 7, तो लिखेंगे 7, कोष्ट बंद। इसके बाद लिखेंगे 1/2 × 5 और देखिए इधर क्या है ना, 7 में जो है 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, तो लिखेंगे 11 + 4 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाती है, दोनों अलग अलग संख्या में माइनस माइनस है तो हमारा चिन्ह जो है वो माइनस का ही होगा और काम जो होगा जोड़ वाला होगा। ठीक है, तो 4 × 2 = 6 फिर प्लस 7, 2 − 7 है तो जो है इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा −5 हो जाएगी। ठीक है, 1/2, अब जो सबको हम क्या करेंगे गुना कर लेते हैं, तो 11 × 5 = 55 फिर प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाती है, तो इसको क्या करेंगे 4 को और −6 को जो है वो गुना कर लेंगे, तो 6 × 4 = 24 और ये इधर हो जाएगी माइनस प्लस माइनस मिलके माइनस, 7 × 5 = 35 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 55 को हम पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखिए माइनस और माइनस मिल माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाती है, काम होगा प्लस का लेकिन चिन्ह जो है माइनस ही होगी, तो 24 और 35 को जो है हम जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 59 हो जाएगी। ठीक है,
क्या हो जाएगी 59 1/2 और यहाँ पे देखिए कि यदि हम इसको जो है 59 में से 55 को घटा देते हैं तो -2 हो जाता, -4 बच जाती है, क्या बचती है -4। अब 2 से जो है इसको कट कर देते हैं तो -2 यहाँ पे बच जाती है, ठीक है, ये क्या जाती है -2। तो हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि क्षेत्रफल का माप, क्षेत्रफल का माप ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए इसीलिए हम -2 का संख्यात्मक मान 2 लेंगे, या तो क्षेत्रफल का मान जो है ना कभी भी माइनस में नहीं होगा, ठीक है। तो जो ये जो है ना माइनस वाला मान, तो उसका क्या करेंगे, संख्यात्मक मान लेंगे, तो -2 का संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यही क्या है आंसर है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।